महफिल मिलाद, बहुत से अदाकाराओं ने आयशा खान के यहाँ इस मिलाद में शिरकत की। इकरा अजीज़ और मीनाल खान दोनों एक जैसे ड्रेस में पहुँच गईं और नई नवेली दुल्हन मीनाल खान और नई नवेली माँ इकरा अजीज़ दोनों एक जैसे लिबास में कैसी लगी ये आप देख सकेंगे इस वीडियो में। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि ऐमन खान ने सबके होश उड़ा दिए। ऐमन खान इतनी हसीन लगी कि सब ऐमन खान की तारीफें करने लगे। तो मुकम्मल वीडियो और तस्वीर देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबिज़ से आने वाली हर नई अपडेट बआसानी आप तक पहुंच सके। आयशा खान पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा हैं और वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर हैं। वो जो भी प्रोजेक्ट करती हैं उनकी सभी तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही पंक्चुअल हैं और बहुत ही प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल होने के साथ साथ आयशा खान की फ्रेंडशिप की भी बहुत तारीफ की जाती है। आयशा खान जिस भी ड्रामे की शूटिंग करवाती हैं उसके सेट पर सभी अदाकार उनके दोस्त बन जाते हैं। यही वजह है कि आयशा खान का रिलेशनशिप अपनी फेलो एक्ट्रेसेस के साथ बहुत ही अच्छा है। और अब आयशा खान ने अपने घर महफिल मिलाद करवाई है। इस मौके पर बहुत सी अदाकाराओं ने आयशा खान के घर शिरकत की। इकरा अजीज़ और मीनाल खान दोनों एक जैसे ड्रेस में आईं। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुदाहों ने दोनों की तस्वीर को बहुत ज़्यादा पसंद किया, जबकि इसके साथ इकरा अजीज़ ने भी इस ड्रेस को बहुत अच्छा कैरी किया और मीनाल खान ने भी इस ड्रेस को बहुत अच्छा कैरी किया। दोनों ही कम नहीं लग रही थी। दोनों की तस्वीर देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रेस में कौन सी अदाकारा ज़्यादा प्यारी लगी। और साथ ही साथ आपको दिखाते चलें कि ऐमन खान आयशा खान के घर आई तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगीं। आयशा खान ने भी अपने मेहमानों को खूब एंटरटेन किया और सबने मिलकर इस टाइम को मेमोरेबल बनाया। आपको तमाम टॉप के अदाकाराओं की ये खूबसूरत तस्वीर जो कि आयशा खान के घर से ली गई हैं कैसी लगी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।